भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर चेयरमैन ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं जनहित में होती हैं, सिर्फ जरूरत होती है इनके प्रचार और प्रसार की। उनसे बातचीत की मेरे सहयोगी कोमल बहल ने। योजना सहयोग मेला में पहुंचे भारत एक्सप्रेस के सीएमडी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप इस मेले में पहुंचे, सबसे ज्यादा क्या आकर्षित किया, कौन सी ऐसी योजना? अभी जो सुकन्या योजना के लिए योगिता जी ने जो पासबुक डिस्ट्रीब्यूट कराए, यह एक इतनी अच्छी योजना है कि जो परिवार वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं उनकी बच्चियों को एक बहुत ही छोटी उम्र से ही एक निश्चित रकम मिलनी चालू हो जाती है। जब तक वो बड़ी होती हैं उनके लिए एक अच्छी खासी पूंजी तैयार हो जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर जितनी योजनाएँ देख लीजिए, मतलब जो फैसिलिटी है इसके लिए जो सहयोग मेला लगाया, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, वोटर आईडी कार्ड के लिए, पैन कार्ड के लिए, आधार कार्ड के लिए, और इधर जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं वो योगिता जी मेरी बड़ी बहन है, ये इस वार्ड की काउंसलर भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं। वैसे में जो योजनाएं धरातल पर पहुंचाने के लिए मीडिया की कितनी अहम भूमिका होती है? मीडिया की बहुत अहम भूमिका है, इसीलिए भारत सरकार ने DAVP और PIB इतने बड़े संस्थान बना रखे हैं, उनको अच्छे से संचालित करते हैं, और भारत सरकार पत्रकारों को रिकॉग्नाइज करती है, उनको तमाम तरह की फैसिलिटी देती है। उसके पीछे एक जो है कोहेसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने की सरकार की कोशिश होती है कि सरकार की जो खबरें हैं, जो योजनाएं हैं, जो सरकार की बातें हैं जन सामान्य तक पहुंचे, यह सरकार का ही क्रिएट किया हुआ तरीका है। और जो हम आप ये चैनल हम चला रहे हैं, सरकार के दिए लाइसेंस पे ही चला रहे हैं। मेला का जो मेन लक्ष्य है वो लोगों तक जानकारी पहुंचाना है, तमाम योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित हो रही है उन योजनाओं तक कैसे लोग पहुंच सकती है, उन योजनाओं का कैसे लाभ आम जनता उठा सकती है, उसकी जानकारी देना इस मेला का मेन उद्देश्य है। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ कोमल बहल, भारत एक्सप्रेस।